गणित हो, रीजनिंग हो, गांव देहात के नुक्कड़ हो या कोई सरकारी एग्जाम, ये सवाल हर जगह पूछा गया। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। उनके सिरों को गिनने पर सिर 340 है, पैर गिनने पर पैर 1060 है, कबूतर बताओ। तो भाई खरगोश के कितने पैर होते हैं मेरे दोस्तों? 4। जबकि कबूतर के पैर होते हैं 2, तो खरगोश के पैर होते हैं 4, ऐसे लिख सकते हैं। खरगोश के भी 2 पैर, कबूतर के भी 2 पैर, और हर एक जानवर के 2 पैर तो हैं, तो 340 जानवर के कितने पैर हो जाएंगे? 680। लेकिन सवाल कह रहा है पैर तो 1060 है, तो कितने पैर यहाँ पे एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 380 पैर एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा पैर किसकी वजह से है? ये एक्स्ट्रा पैर है खरगोश की वजह से। हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 380 पैर एक्स्ट्रा है, तो यानी कि खरगोश कितने रहे होंगे? 190। डायरेक्ट आ गया। कबूतर पूछा है, 190 आपके खरगोश आ गए, खरगोश तो कबूतर हो गए। 340 में से 190 घटा देंगे, बाकी बचे कुछ कबूतर है 150।